गाइज कैसे आप सब लोग गाइज, अगर आपने लोन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन किसी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस एप्लीकेशन से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ से आप सभी को 100% लोन यहाँ पर मिलने वाला है गाइज। यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, नहीं तो सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट रखा जाएगा, नहीं बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रखा जाएगा और नहीं इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट रखा जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो क्योंकि आप सभी को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। और गाइज यहाँ पर बता दूँ, ये जो भी लोन अमाउंट मिलेगा आपको टाइमिंग दिया जा गया है जो कि आपको महीने में पेमेंट करने के लिए, यानी कि उस पैसों का आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी लोन अमाउंट मिले, अगर 10,000 भी मिलता है तो आप सभी को EMI पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आप इजिबल हो पाते हैं, सारा कुछ आपको डिटेल हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप थक चुके हैं तो आपके लिए बेस्ट यह वीडियो, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर 100% लोन मिलने वाला है। इंडियन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जैसे गाइस यहाँ पर बताते चलो 50 लाख प्लस इसका जो कि डाउनलोडर है इस एप्लीकेशन का, और यहाँ पर बताते चलो 1 लाख प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन का रिव्यू दिया है, तो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ से रेटिंग वगैरह भी बहुत ही बेस्ट यहाँ से इस एप्लीकेशन का है। तो गाइज आपको बताते चलो, इस एप्लीकेशन से अप्लाई करने से पहले इस एप्लीकेशन का फुल हम डिटेल में बताएंगे, तो इस वीडियो को फाइनल पूरे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख पा रहे होंगे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो सो गाइज चलिए फाइनली यह वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइज अप्लाई करने से पहले इस एप्लीकेशन का फुली हम डिटेल हम जान लेते हैं। तो गाइज छोटा लोन बड़ी खुशी, जैसे गाइज यहाँ पर बताते चलो, यहाँ से बहुत ही बेस्ट आप सभी को लोन अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। गाइज यहाँ पर बताते चलो, यहाँ पर फर्स्ट लोन अप्रूवल है, क्यूक डिस्पर्स है, विद इन 100% ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, और यह एप्लीकेशन NBFC से जो कि पार्टनर है यानी कि RBI से रजिस्टर्ड यह एप्लीकेशन है। आपका जो भी डाटा लिया जाता है, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जो भी चीज़ एक्सेस लिया जाता है, सारा कुछ आपका सिक्योर रखा जाता है। इनकेस अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तब जाकर आपके साथ कुछ दिक्कत हो सकता है, लेकिन हालांकि यह एप्लीकेशन ऐसा कुछ करता नहीं है। बहुत लोग ज़्यादा कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि यहाँ से लोन नहीं मिलता है, वीडियो वगैरह फेक है, तो आपको बताते चलो, अगर आपने बहुत ज़्यादा कहीं एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, रीपेमेंट नहीं किया है, तो उस जगह पर आपको लोन नहीं मिलेगा तो आपको फेक लगेगा ही, क्योंकि आपने फ्रॉडगिरी वगैरह काम कर लिया है तो आपके साथ यह एप्लीकेशन भी फ्रॉडगिरी का काम करने लगता है। तो एक चीज़ में ध्यान में रखेंगे, अगर आपको कहीं से लोन मिलता है तो आप रीपेमेंट कर देंगे तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोन ले लेते हैं रीपेमेंट नहीं करते तो फ्यूचर में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि किसी तरह का एप्लीकेशन आपको लोन देने में डरने लगेगी, कहीं से आपको लोन नहीं मिल सकता। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, जहां से भी आप लोन लेते हैं उसको टाइमली रीपेमेंट करेंगे, जिससे आपको बेहतर सिविल स्कोर भी ग्रो होगा और आपको लोन भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम बताते चले, यहाँ से आप सभी को जो कि पूरे 2,000 से लेकर पूरे 25,000 तक की लोन अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, और टाइमिंग की हम बात करते हैं तो आप सभी को 2 से 4 महीने के रीपेमेंट करने के लिए टाइमिंग मिलता है, जो कि यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप सभी को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। पर्सनल और सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी पर्सन है, दोनों कंडीशन में आप सभी को यहाँ पर लोन मिलता है। उसके बाद हम बताते चले गए यहाँ पर, जो कि आपको ज़्यादा अगर टाइमली रीपेमेंट करते सब कुछ अच्छा रहा तो आप सभी को बताते चलूँगा जो धीरे धीरे करके 5,000 अपडेट भी कर देते हैं, यानी कि 30,000 तक की लोन अमाउंट आप सभी को यहां पर मिल सकता है। उसके साथ साथ 30,000 जैसे लोन अमाउंट आप सभी को मिलेगा तो आपको बताते चलो 6 महीने की टाइमिंग मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। तो गाइज आप सभी को बताते चलो, क्विकली आप सभी को ऑनलाइन प्रोसेस होता है, क्विकली इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ किसी भी मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सभी को गाइज अप्लाई करना है। तो गाइज आपको बताते चलो, यहाँ से सारा कुछ डिटेल है, फॉर एग्जाम्पल भी बताया गया है कि कितना लोन अगर आपको लेते हो तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सभी को गाइज यहाँ पर लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल भी बताया गया, जैसे गाइज अगर 10,000 आपके लोन अमाउंट अप्रूवल होता है, 3 महीने के लिए आप EMI पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि 3 महीने के लिए आप लेते हैं EMI पे। और गाइज आपको बताते चलो, जो कि प्रोसेसिंग फी वगैरह होता है, GST वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर लग रहा है 400 रुपया कुछ इस तरह का लग रहा है, जो कि ऑनलाइन सिक्योर फी जो भी आपको होता है उसका सिक्योर चार्ज आपसे लिया जाएगा 600 रुपया, जिससे आपका सारा कुछ सिक्योर रखा जाए। इंटरेस्ट 514 रुपया जो कि आपको 3 महीने में यहाँ पर लग रहा है, जो कि आपको बताते चलो गाइज यहाँ आपको सारा कुछ डिटेल आपको बताते चलो, आपके अकाउंट में 9,000 रुपये डिस्पर्स किया जाएगा, और इसका EMI हम बताते चले गए आपको, 10,000 जो भी लोन अमाउंट आप लेते हैं उसका EMI रहेगा 4,333 रुपये, 3 महीने तक आप सभी का कुछ इस तरह का EMI रहने वाला है। टोटल रीपेमेंट आप सभी को गाइज करना होगा, जो कि 12,614 रुपये टोटल रीपेमेंट करना होगा। आप सभी को बताते चलो, अगर 10,000 लोन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, तो ये चीज़ आपके अंदर कन्फ्यूज होगा। तो 2100 रुपये मात्र आप सभी को गाइज, अगर 10,000 किसी से लेते हैं तो अगर 3-4 महीने रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर मात्र 2100 रुपया लग रहा है सारा चार्ज लेकर, और आपको बताते चलो धीरे धीरे करके यह पैसा EMI भी लेते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट डालते जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएगा, और दूसरे से मांगने से अच्छा कि मोबाइल फ़ोन की मदद से ले सके, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
एज एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो अगर आपका 18 प्लस एज है तो आप सभी को क्योंकि यहाँ से लोन मिल जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप मंथली इनकम 15,000 कमाते हैं तो लोन मिलेगा, तो बताते चलो किसी तरह का इनकम प्रूफ यहाँ पर नहीं डिमांड किया जाएगा। अगर आपको टाइप ही करना रहेगा 15,000, 20,000, 25,000 टाइप करके लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, 20,000 तक ही मैक्सिमम जो कि आप लोन के लिए जो कि 20,000 ही डालेंगे मंथली इनकम, ठीक है, तब जाकर लोन मिलेगा। अगर सोच रहेंगे 35,000, 40,000 डाल देंगे तो मुझे लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कंपनी ये चीज़ सोच लेती, अगर बंदा इतना हकीकत में कमाता ही है तो इसे लोन की क्यों रिक्वायरमेंट है, लोन की जरूरत क्या है। तो इसलिए 15,000 से 20,000 के बीच में डालेंगे तो आप सभी को 100% यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर बताते चलो, यहाँ से पैन कार्ड या आधार कार्ड की मदद से लोन मिलेगा। सेल्फी अपलोड करना है, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, बैंक अकाउंट देना है जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल आपको टाइप करना है, अपलोड कुछ पासबुक वगैरह नहीं करना है, जिसमें आपको डिमांड है जी 1 पैसा 1 रुपया डालकर वेरीफाई किया जाएगा। तो सिंपल सा गाइस, चलिए इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके ओपन करके अप्लाई करके आप सभी को गाइस दिखाते हैं। तो गाइस आप सभी को हम बताते चलो, यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे वहाँ से आप सभी को 100% लोन मिल जाएगा, जो कि मेरे रेफर से जाएंगे तो लोन मिल जाएगा। तो सब फर्स्ट स्टेप में आप सभी को गाइस यहाँ पर इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में सिंपल सा प्रोसेस है, मंथली इनकम जैसे मैं आप सभी को बोला हूँ, आप सभी को जो कि 15,000 से 20,000 के करीब में आप सभी को मंथली इनकम यहाँ पर आप सभी को टाइप करना है। लोन पर्पस में यानी कि किस पर्पस से आप लोन ले रहे हैं, तो मेडिकल हो, इमरजेंसी हो, वेडिंग हो, किसी तरह का पर्पस यहाँ से अपने चॉइस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रिफरेंस नंबर में यहाँ पर मांग रहा है तो किसी भी फैमिली का नंबर एक टाइप कर देंगे, जो कि आपको जान पहचान में अपने ब्रदर हो, फादर्स हो, फैमिली मेंबर में भी किसी का भी डाल सकते हैं, यहाँ पर एक नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे, ठीक है, यानी कि जो भी जिनका भी आप नंबर टाइप जो कि यहाँ पर दे रहे उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा, जो भी आप पैन कार्ड यूज कर रहे हैं पैन कार्ड का नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पर टर्म कंडीशन आप सभी को एक्सेप्ट कर देना है, जस्ट नीचे गाइज आप सभी को कन्फर्म करना है। सिंपल सा प्रोसेस, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। तो सिंपल सा गाइज क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपके अंदर कन्फ्यूजन है कि मोबाइल नंबर, तो जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहीं पर आप सभी से मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा और OTP वेरीफाई करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आप सबके बीच ओपन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये कि आधार का डिटेल मांग रहा है, यानी कि आधार ही देंगे, यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दूँ चलो यहाँ पर चूँकि आधार देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि आसानी से आप सभी को क्विकली लोन मिल जाता है। यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे, जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को अच्छे से यहाँ पर फिलफिल कर लेंगे। यहाँ पर जो कि यहाँ जस्ट गेट OTP वाले पर क्लिक करना, तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलफिल करना है। इनकेस आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिल जो कि ऐड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको अनलेबल टू कंप्लीट आधार जो कि यहाँ पर वेरीफाई इस पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करना है बैक और फ्रंट, जिसमें अप्रूवल में 5 से 10 मिनट वेट लगेगा जो कि आपका लोन अप्रूवल आने में। इसे अगर बताते चलो मोबाइल नंबर ऐड रहता है तो आसान प्रोसेस होता है आपको लोन मिलने में, लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद ही मिले लेकिन मिल जाएगा। तो आपको दो जैसे भी हो, मोबाइल नंबर ऐड हो या नहीं ऐड हो, दोनों कंडीशन में आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड कर लेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का डिस्प्ले के बीच ओपन होकर रह जाएगा। बैंक डिटेल की डिमांड यहाँ पर किया जाएगा, जो जिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है यहाँ पर बैंक नेम जो कि डाल देंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे, यहाँ पर IFSC कोड टाइप कर देंगे, यहाँ पर बैंक नेम टाइप करना, नाम वगैरह नहीं टाइप करना है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो आपका आप कहेंगे कि मेरा नाम तो डाला ही नहीं, क्यों मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, तो जैसे आप लोन अप्लाई किए हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से किए हैं, तो कंपनी आप ही के डॉक्यूमेंट में आप ही के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वेरीफाई हुआ। अगर आप किसी अपने फ्रेंड में किसी का अकाउंट अगर देंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपना बैंक जो कि बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे, जिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है उस बैंक का अकाउंट का नाम डालेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, IFSC कोड टाइप करके यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर देना है, जिसमें आपको पैसा रिसीव हो चुके जिससे आप लेन देन करते हैं। तो टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके जस्ट नीचे कन्फर्म का बटन मिल रहा है और यहाँ से आप सभी को लोन मिलेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को फुली कंप्लीट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको सभी को बताते चलो, यहाँ पर फाइनली मेरा 19,000 का अप्रूवल लिमिट आ चुका है, जिसका अप्रूवल लिमिट अब तो 19,000 का मुझे आ चुका है। और जो कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 19,000 जो कि यहाँ पर मिल रहा है, जितना भी हम लोन लेना चाहते हैं, जितने मंथ के लिए हम लेना चाहते हैं, जो कि मैक्सिमम मुझे जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि 25,000 तक की है, लेकिन मुझे 19,000 अभी तक मिला है। और 3 महीने के लिए मुझे यहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जो कि अकाउंट में डिस्पर्स जो कि अगर 19,000 हम लोन लेते हो तो अकाउंट में मुझे डिस्पर्स किया जाएगा 17,100 रुपया मेरे अकाउंट में डिस्पर्स किया जाएगा। और आप सभी को रीपेमेंट की हम बात करते हैं तो 20,401 रुपया मुझे रीपेमेंट करना होगा, यानी कि कहने के बाद 3,400 रुपया मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा पूरे 3 महीने में। तो बहुत ही बेस्ट है। और जस्ट नीचे कन्फर्म का बटन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यह पैसा मेरे अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम लोन यहाँ से नहीं लेंगे। अगर आपका जरूरत है तो ले लेंगे।
एप्लीकेशन का नाम है जो कि रुपी रेडी। ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही बेस्ट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है और 50 लाख प्लस इसका जो कि डाउनलोड है 3.8 का रेटिंग है। और क्विकली आप सभी को गाइस आसान प्रोसेस से यहाँ से लोन मिल सकता है रुपी रेडी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ से अप्लाई करेंगे तो गाइस आप सभी को 100% लोन मिलेगा। तो मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा, डाउट हो भी बताएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।